सो है गाइस, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज हम बात करने वाले बेहतरीन साइबर ट्रक के बारे में। नहीं, मेरे साथ आप बोलो दी साइबर ट्रक, बेहतरीन साइबर ट्रक। दोस्तों आपको जानने का क्या फायदा है इसको? जी हाँ दोस्तों, जरूर फायदा है, क्योंकि दोस्तों इसमें SH6 की फीचर्स है जो कि तो सबसे अलग बनाते हैं इसको। उसके साथ 6+1 यानी 7 ऐसे फीचर है जो कि वो तो 7 फीचर जो है वो सबसे इसको अलग बनाते हैं। उसके साथ आपको इस मतलब घर में बैठे साइबर ट्रक का मजा लेना चाहते हो तो उसका भी प्रबंध है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, आपको बता देंगे कैसे देख सकते हो, मतलब इंटरेस्टिंग चीज है वीडियो में बहुत सारा। सो शुरू करते हैं और बात करते हैं दी साइबर ट्रक के फीचर्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। उससे पहले बात कर लेते हैं कि हमें सौरभ चौधरी और ये है ट्रेंड इंडिया चैलेंज, जिसमें हम बात करते हैं ऑनलाइन पे गूगल पे यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में आया हुआ कोई भी टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन के साथ, 100% ट्रू रिकॉर्ड के साथ। क्या देख रहे हो भाई, जल्दी से सब्सक्राइब करो और घंटे को क्लिक कर दो ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहे। सो बात करते हैं साइबर ट्रक, जो कि इलॉन मस्क टेस्ला का जो ओनर है या फिर CEO है, दोनों एक ही बात है, जो है वो एक ऐसा चीज निकाल चुके हैं जो कि बहुत सारे लोगों का दिमाग पैरों तले जमीन और दिमाग हिला चुका है। तो क्या क्या फीचर्स है इसका? तो दोस्तों ये जो ट्रक है ये पूरा स्टेनलेस स्टील का है, ये वो ही स्टील है। पहला फीचर है ये स्टेनलेस स्टील का है, लेकिन ये नॉर्मल स्टेनलेस स्टील का नहीं है, ये वही स्टेनलेस स्टील का बना है जिससे वो मतलब जो है स्टारशिप बना रहे, मतलब रॉकेट्स जिस स्टील से बने हुए होते उस स्टील से ये ट्रक बना रहे हैं भाई। और मतलब क्या बताएं, देखने में तो आप देख ही रहे हो पीछे कितना अच्छा दिख रहा है वो। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे की फीचर्स के ऊपर। तो दोस्तों इसका पेलोड 3500 का ये पेलोड ले सकता है, मतलब 1775 किलो का पेलोड ये ले सकता है खुद अकेले ही, और 1400 किलो का मतलब 14,000 किलोस या फिर LVS 14,000 LVS यानी 7,000 किलोस का ये टोइंग मतलब खींच सकता है। सोच सकते हो 7 टन का वेट ये अकेले खींच सकता है, तो मतलब काफी बेहतरीन है भाई इलन मस्क, सल्यूट है आपको। बस बढ़ते हैं थर्ड की फीचर्स के ऊपर। दोस्तों ये बना है आर्मंड ग्लास से, जो इसका ग्लास लगा हुआ है ना आगे पीछे ऊपर नीचे जो ग्लास लगा हुआ है उसमें जो ग्लास लगा हुआ है वो आर्मंड ग्लास है। हाँ ये थोड़ा सा कॉमेडी का बात हो सकता है कि जब इनका जो है लाइव इवेंट हो रहा था तो उसको जब ग्लास को टेस्ट किया गया स्टील बॉल से, इसमें होल हो गया। लेकिन दोस्तों इलन मस्क ने कहा कि नीचे जब हथौड़ा मारा गया था तो उसका जॉइंट जो है हिल गया था, इसलिए बाद में उसको दिखाया गया उस वीडियो में कि वो मार रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन तब टूट गया था। लेकिन आर्मंड ग्लास काफी मजबूत ग्लास होता है। ओके बढ़ते हैं आगे चौथे फीचर्स के ऊपर। दोस्तों इसका लोडिंग, ठीक है, पीछे जो लोड होता है तो उसका जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स और वो जो निकल के आता है, ठीक है, एकदम नीचे से, मतलब कोई उसमें ATV को उठा के दिखाया गया तो बाकी की तरह वो अलग से कोई पत्ता वत्ता नहीं लगाना पड़ता, डायरेक्ट वो लोड हो जाता है उधर से, ठीक है। और ग्राउंड क्लियरेंस जो है 16 इंचेस का मैक्स ग्राउंड क्लियरेंस है, जिसमें आप इसको मतलब SUV जैसे चाहो, मतलब जैसे रास्ते में चाहो वैसे चला सकते हो, तो बेहतरीन तो है ही दोस्तों, ठीक है। अभी तक पसंद आ रहा तो क्या देख रहे हो भाई, लाइक तो करो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, मतलब फिफ्थ फीचर्स की फीचर्स, बेहतरीन फीचर्स तो वही होता है फास्ट, मतलब ये ट्रक है इसका मतलब ये स्लो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा भी नहीं कह रहे कि हम ये रेसिंग कार है, लेकिन दोस्तों अच्छे अच्छे रेसिंग कार को ये बीट कर चुका है, मतलब जो रेसिंग कार होता है उसको एक ट्रक ने बीट कर दिया, तो क्या और बता सकते हैं इसके ऊपर। और जो इसके ऊपर फोर्ड कंपनी ने जो है मतलब बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि दोस्तों इन्होंने फोर्ड कंपनी का एक और एक होता है ट्रक SUV टाइप का, ठीक है, उसको पीछे बात के इलन मस्क ने दिखाया कि किसको आगे कर सकते, तो मतलब इलन मस्क का जो साइबर ट्रक वो घसीटते हुए, मतलब एकदम इज्जत का फालूदा कर दिया फोर्ड का, घसीटते हुए आगे ले गया, मतलब बच्चों की तरह घसीटते हुए आगे ले गया, तो उसीलिए फोर्ड थोड़ा गुस्सा है, लेकिन बना तो है ऐसा ही, इसलिए तो दिखा रहे हैं भाई कि ये है ताकत। लेकिन फोर्ड बोल रहा है कि भाई आपका वो डिस्ट्रीब्यूशन सेम इक्वल है, मेरा सेम नहीं है, क्योंकि हमारा इंजन है कार में, हमारा ट्रक में इंजन है, आपका तो इलेक्ट्रॉनिक है। तो इसी तौर से जो इसका सिक्स फीचर है, क्योंकि दोस्तों ये एक इलेक्ट्रॉनिक है, कोई पेट्रोल डीजल का झंझट ही नहीं, एक इलेक्ट्रिक ट्रक है, और इलेक्ट्रिक ट्रक का ऐसा नहीं कि वो फास्ट भी है, और एक बार चार्ज करने के बाद 500 मील किलोमीटर के हिसाब नहीं करें 500 मील जो कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर 1 माइल का शायद होता है, थोड़ा सा कम उससे, तो 500 मील मतलब किलोमीटर में शायद 600-700 किलोमीटर एक चार्ज में चल सकता है, जो कि काफी
ज्यादा है भाई। और दोस्तों बात करते हैं सेवेंथ, मतलब बताएं तो सीख लेंगे सेवेंथ जो है, जो कि सबसे अलग इसको बनाते हैं। इसका प्राइस भाई, इसका बेस वेरिएंट शुरू होता है 28 लाख से और इसका जो मैक्स वेरिएंट है वो 50 लाख का है। ट्रक जो 50 लाख का है, लेकिन दोस्तों फीचर्स भी इतना मिल रहा है। आपको कैसा लगा और आप क्या खरीदना चाहोगे अगर कभी आपको मौका मिले तो नीचे कमेंट पे जरूर बताइए। और जैसे कि बताए थे कुछ आपको इसमें सरप्राइज या फिर कुछ ऐसा, मतलब अपने घर में बैठे कैसे ले सकते हो इसका मजा, तो दोस्तों ये जो पीछे वीडियो दिख रहा है इसको आप अपने इनहेंस विद ऑडियो, बेहतरीन ऑडियो इफेक्ट के साथ अपने घर में देखना चाहते हो तो फोन के यानी जिसमें आप वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक लिंक दिया गया है, डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर लो। 5 MB का सिर्फ वीडियो है, लेकिन अपने फोन में वो वीडियो का मजा उठा सकते हो। तो पसंद आया तो जल्दी से डाउनलोड कर लो जो कि पीछे चल रहा है जो वीडियो। दोस्तों खत्म करते हैं आज का वीडियो, कल मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन दमदार यूनिक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।